देखिए इंगल इतना बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं इधर से यहाँ से लेकर नीचे तक देखिए कितनी चौड़ाई है। लेकिन देखिए गंगा मैया की बात, देखिए बालू हमारी पूरा फाड़ दिया है, देखिए पूरा एकदम बैठ गया, मतलब बालू आ गया है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका इस ब्लॉग वीडियो में। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ चाणीपुर, जो अम्बेडकर नगर में पड़ता है चाणीपुर। वहाँ पर गुफा है एक, और बहुत भव्य गुफा है, और वहाँ का टेंपल जो मंदिर है वो भी बहुत बड़ा है। तो आज उस मंदिर के और गुफा के एक एक रहस्य के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, तो आप लोग रास्ते का सीन देखिए, वहाँ पर पहुँच कर वहाँ की वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ की रोड देखिए किस हाल में है। तो एक गाइड देखिए, हम लोग जा रहे हैं तो आप लोग देख ही सकते हैं रोड यहाँ का कितना ख़राब है, एकदम गाड़ी की माँ बहन एक हो रही है, देख लीजिए आप लोग। अगर हमारी वीडियो अगर कोई नेता या सरकार अगर देख रही है तो भैया इस चाणीपुर के रोड का निर्माण जरूर करे, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, देखिए यहाँ पर सरसों के फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, सुहावने लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, और घर से जो है करीब 20-25 किलोमीटर दूरी पर आए हैं चाणीपुर में वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं चाणीपुर का टेंपल, मतलब मंदिर जो है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ ये गुफा है जो आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा लेकिन देखा नहीं होगा। तो आज मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को गुफा का दर्शन कराऊँगा और उस मंदिर का दर्शन कराऊँगा। और मंदिर से और गुफा से अगर फेमस चीज़ अगर चाणीपुर में कुछ है तो वो है जंगल। तो यहाँ का फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है करीब 50+, यानी 50 बीघा से ऊपर जो है वो जंगल है। तो उस जंगल के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर हो सकता है कोई सज्जन या कोई चाचा, बड़े दादा, बूढ़े कोई मिल सकते हैं तो उनसे पूछेंगे, बात विमर्श करेंगे तो बता सकते हैं उनके ज़रिए। नहीं तो हमको जो आता है, जहाँ तक इसके बारे में जानकारी है, तो उसके बारे में पूरा मैं बताऊँगा। तो मौके पर हम चाणीपुर आ चुके हैं, तो जंगल यही है देखिए, और बैक कैमरे दिखा रहे हैं अभी। तो इतना घना जंगल है कि बहुत डरावना है, बहुत घना जंगल है। तो हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए ठंड काफ़ी ज़्यादा है और तबीयत हमारी सही नहीं है, बुखार है, आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में कैसा मेरा चेहरा आ रहा है आज, आँखों फुला भरी हुई है। तो हम सोचे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसीलिए मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप लोग अगर हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आप लोग कुछ समझ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके। और तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जंगल दिखाता हूँ, उसके बाद चल के दिखाता हूँ और बाकी चीज़ देखिए। यहाँ ऊँचाई पर खड़ा हूँ, नीचे आदर्श भाई हैं, वो भी एक ब्लॉगर हैं। और चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय। तो हे गाइस, ये देखिए जंगल है और आप देख ही सकते हैं इतनी नीचे जो है, इधर आदर्श भाई वहाँ खड़े हैं नीचे, यहाँ ऊंचाई पे मैं हूँ। और ये देखिए बाड़ लगाया गया, मतलब ये बंधा टाइप का बनाया गया, जैसे कोई जानवर वगैरह, हमारे हिसाब से तो यही है कि जानवर इधर उधर ना जाने पाएँ। और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख ही सकते हैं उधर वहाँ तक जंगल है, जो पेड़ नहीं दिख रहा वहाँ तक जंगल है पूरा इसका, ये 50 बीघा से ऊपर है। आप देख ही सकते हैं कितना घना है, आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो दिख रहा है इसके उधर का सीन नहीं दिख रहा, आप लोग इतना घना है देख लीजिए आप लोग। और इधर देखिए सबसे डरावना तो ये है, देखिए खाई किस तरह तरह की बनी हुई है, बहुत विचित्र है। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं कुछ और, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो बैठ रहे हैं गाड़ी पे और चल रहे हैं आगे, दिखाते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हम आ चुके हैं मंदिर पर, और चाणीपुर मंदिर पर, जैसे हमारे यहाँ रामबाग का मंदिर है नदी के किनारे बसा हुआ है, उसी तरह ये भी एकदम सेम नदी के किनारे बसा हुआ। इधर देखिए गंगा मैया है, ये जो जंगल है, जंगल की इस बार मतलब बगीचे के, उधर देखिए शायद शमशान घाट वगैरह कुछ पीछे है, और यहाँ मंदिर है। तो बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, तो घुस रहे हैं मंदिर के अंदर और मंदिर का सीन दिखाते हैं आप लोग कैसा है। तो गाइस चल रहे हैं अंदर, देखिए
श्री बजरंगबली जी की मूर्ति यहाँ पर, जैसे भैया माता में माता जी का थी वैसे ही मंदिर के ऊपर देखिए बजरंगबली का मूर्ति बनाया गया है। तो चल रहे हैं अंदर आप लोगों को लेकर, देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर कितना लोकेशन पार्क टाइप का है। तो चल रहे हैं इधर, देखिए नदी है और चल रहे हैं अंदर, घुसते हैं आप लोग, दिखाते हैं मंदिर के अंदर कितना वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आप लोग कैमरे के जरिए आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। देखिए आदर्श भाई गाड़ी लेकर पहुँच चुके हैं, ये देखिए रसोईया घर वगैरह है, लगता है बाबा लोग महंत लोग का साधु लोग का खाना वगैरह बनता होगा यहाँ पे। और देखिए पीपल का पेड़ है यहाँ, देखिए भोलेनाथ का मूर्ति बनी हुई है, जय भोलेनाथ। यहाँ देखिए भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे भी कुछ लोग अगरबत्ती चढ़ाते हैं और पूजा स्थल भी है। ये देखिए बरगद का पेड़ है यहाँ पे, सब मंदिर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ दोस्तों, और देख ही सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे है। तो ये देखिए बाबा लोग जो है गाय भैंस जो है पाले हैं यहाँ पे, जैसे दूध वगैरह का काम रहता है, चढ़ाना रहता है, तो गाय भी यहाँ पर है, लोग सेवा सत्कार यहाँ पर किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सीढ़ी बनी हुई है, पूरा एकदम पत्थर की सीढ़ियाँ हैं सब, और शायद नदी जो है सूखी हुई है, पानी नहीं है। ये आप लोग जो देख रहे हैं केसारी का जुट्टा, तो यही नदी है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये नदी से पानी ही पानी रहता है जब बाढ़ आती है। और आप लोग सबसे विचित्र बात आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ रामबाग में सीढ़ियाँ हैं उससे कहीं कब गुना अच्छा यहाँ का सीढ़ी बनाया गया। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी अच्छी सीढ़ियाँ हैं, इसमें ईंट का उपयोग नहीं किया गया है, जितना है सब पत्थर ही है, आप लोग देख ही सकते हैं कैमरे में सब पत्थर ही है। तो देखिए सबसे खुशहाल नज़ारा अगर कहा जाए तो चांदीपुर मंदिर पे आने के बाद बिल्कुल भैया एकदम स्वर्ग लगता है, कसम से जाने का दिल नहीं कह रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सबसे अच्छा तो हमको यहाँ पर सीढ़ियों का नज़ारा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी सीढ़ी। इधर देखिए महिला संस्थान वाला है, महिलाओं के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है ताकि कपड़े यहाँ पर नहा कर कपड़े बदल सके। और इधर देखिए सब जेंट्स के लिए बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, देखिए पूरा एकदम वाह। इधर बरगद का पेड़ है, बरगद के एकदम गर्मियों में तो आनंद आ जाता होगा कसम से, यहाँ पे गर्मियों में देखिए आप लोग देख सकते हैं कि छाव, पूरा बरगद जो है ना पूरा छावदार है और इसके एकदम सीढ़ी के ऊपर ही है, और एकदम आनंद से लोग यहाँ पर नहाते होंगे और रहते होंगे। यहाँ पे एसी फील रहता है, इतना ठंड यहाँ पे रहता है। और आप लोग देख सकते हैं, और देखिए अब की नदी इतनी ज़्यादा बड़ी थी, ये देखिए इंगल इतना बड़ा बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कि इधर से यहाँ से लेके नीचे तक देखिए कितनी चौड़ाई है। लेकिन देखिए गंगा मैया की कृपा से देखिए बालू मारी पूरा एकदम भाट दिए हैं, ये देखिए पूरा एकदम बैठ गया, मतलब बालू आ गया है। इसी नदी बढ़िया ही थी ना, नदी जब बाढ़ आती है, जब नदी में पानी आता है ना तो पूरा पानी आ जाता है, जहाँ पे हम खड़े हैं ना तो हम भी डूब जाएंगे, इतना पानी आ जाता है। तो इस समय सूखी हुई है नदी, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर केसारी वगैरह जैसे नहीं, मड़ई जो हम लोगों के यहाँ बोलते हैं, कितने लोग मड़ई छवाते हैं, तो जो है मड़ई बनाने के लिए केसारी का उपयोग किया जाता है। तो केसारी देखिए कुछ लोग काट के यहाँ पर रखे हैं, और जो है यही है केसारी, और यहाँ से काटते हैं जैसे ये देवारा हम लोग बोलते हैं, तो पूरा बलुई एरिया, इसमें जैसे बलुई एरिया में क्या होता है ना, जैसे बलुई एरिया में हम लोग बालू में तरबूज वगैरह का खेती कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग, मतलब व्यापार के बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं जो है तरबूज की खेती करते हैं, खीरा लगाते हैं, काकर लगाते हैं, तो यही सब की खेती होती है यहाँ बलुई एरिया में। तो आप लोग देख सकते हैं नदी सूख गई है काफ़ी, और इधर देखिए बलुई एरिया, यहाँ पर कुछ लोग जो है खेसारी काट के रखे हुए हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, इसमें धान गेहूँ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो धान गेहूँ बोते हैं लोग, लेकिन जो है जब नदी बाढ़ आती है, नदी में पानी जब आ जाता है तो नुकसान होता है ना, तो इसीलिए जो है लोग गेहूँ धान की खेती नहीं कर पाते हैं ज़्यादा अक्सर करके। तो कैसा लगा मंदिर, हमको तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो है वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ नीचे का सीन आप लोग देख चुके हैं, और ये जो सबसे अच्छा हमको तो यही लगा है, इसको तो हम फोटो यहाँ पर जरूर खींचाएंगे कभी। तो ऊपर का मंदिर का भी सीन दिखाते हैं आप लोगों का लोगों को, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं क्या क्या है। आप लोगों को मैं दोस्तों मेन मंदिर पर लेकर के चलता हूँ। ये मंदिर तो यहाँ पे है, इस समय तो बंद है, अभी बाबा है नहीं, बाबा लगता है कहीं पे गए हैं। अंदर जो है यही वाला मेन मंदिर है, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर। ये देखिए मेन मंदिर है,
आप लोग देख रहे हैं। अब चाहे जिंदगी ऐसी, चलिए आप लोगों को भी मैं दर्शन कराता हूँ। देखिए राधा कृष्ण का मूर्ति है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं बाबा लोग। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी मैं दूसरे में हम ना पाए। देखिए हनुमान जी का विश्राम करने के लिए, देखिए विश्राम करने के लिए बना है तीर्थों के लिए। यहाँ पे कार्तिक माह में मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। देखिए बाबा लोग आग सेक रहे हैं यहाँ पे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे शंकर भगवान की पिंडी है, लोग नहाने के लिए यहाँ पे चल देते हैं। देखिए ऊपर जो है वहाँ टीला है, टीला पे भी एक मंदिर है, वहाँ पे मकरा ध्वज का मंदिर है। इस समय हो सकता है वो बंद हो। देखिए ऊपर जंगल भी है, उसी जंगल के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पे मकरा ध्वज का वो है मंदिर, दिखा रहा हूँ जूम करके। देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा यह मंदिर रख रहा है। यह मंदिर मैं जितना भी मंदिर पे गए उससे ज़्यादा ये काफ़ी अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे जो है गौ से साफ़ सफाई तो खैर है ही, यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफ़ी सुंदर लगाए गए हैं। आप लोग देख रहे हैं पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और मंदिर देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। अगर रात में इसका सजावट होता तो बहुत ही अच्छा लगता। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गौशाला भी है, यहाँ पे बाबा लोग बहुत ही अच्छा सेवा करते हैं गौ को। ये देखिए गौशाला है, गौ माता भी यहाँ पे हैं। अभी तो एक ही हैं, लगता है एक आध दो चढ़ने गई हैं। और यहाँ पे जो है यज्ञशाला है बगल में, यज्ञशाला भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यज्ञशाला है, देखिए पीछे जो है भोजनालय घर है, बाबा जी भोजन मना रहे हैं यहाँ पे। जितने भी आते हैं श्रद्धालु उनके लिए भी भोजन, और बाबा लोग अपने लिए भोजन। ये देखिए मंदिर भी है, ये बाबा जी अपने हाथ से खुद यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए बाबा जी कितने अच्छे लिखते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग वीडियो बना के जैसे ही निकले तो बाबा जी मिल गए और प्रसाद दिए हम लोगों को, और पूरा खोवा है, खोवा जो अभी आदर्श भाई जो नहीं दिखाया है भैंस को, उसी दूध का प्योर खोवा है प्रसाद के रूप में। बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पर यहाँ का प्रसाद का खाने का मौका हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो मैं सत बार यहाँ के जो बाबा जी हैं और यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं बार बार नमन करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा वैसा मौका हुआ मिला हम लोगों को, जो हम लोगों को प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। तो लव यू दोस्तों, तो आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा चांदीपुर मंदिर पर, आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। तो लीजिए हमारे आदर्श भाई कुछ कहना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखिए कितनी ऊंचाई पे चढ़ के जाना पड़ता है महाराज मकरध्वज जी का। इधर देखिए पप्पी डाक के कुकुर जो कुत्ती होती हैं, कुत्ता उनके जो पिल्ले हैं। इधर देखिए कुछ लोग बकरियां चराने आए हुए हैं, देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है और चढ़ के जा रहे हैं। और देखिए जंगल कितना भयानक जंगल है ये। यहाँ पर ऑलरेडी हम एक वीडियो शूट कर चुके हैं, जिस वीडियो का नाम है फैशन बाज मेहरिया, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जा रहे हैं, देखिए मंदिर वहाँ पे दिख रहा है, तो मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक सज्जन दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, ठंडी मुबारक हो। आपको भी सेम टू यू बोलना चाहिए आपको भी। अरे यार, तो इधर देखिए बाबा जी गेट बंद कर रहे हैं। यही देखिए मंदिर है, ऑलरेडी यहाँ पर एक हमारी कॉमेडी वीडियो की शूटिंग हो चुकी है पीछे की।
अच्छा, फैसनबाज मेहरिया वाली, तो यहाँ पर शूट किए थे वीडियो, आप लोग देख ही होंगे चैनल पे। और ये जंगल के बीचों बीच में मंदिर है, और इधर देखिए पूरा जंगल ही जंगल, बहुत घना जंगल है। और आप लोगों को जब हम आ रहे थे शुरुआत में वीडियो के पहले, आप लोगों को दिखाए थे जो जंगल बता रहे थे, जो काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो जंगल के खास अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग देख ही लीजिए कैमरे में, काफ़ी घना जंगल है। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, देखिए। हेलो गाइस, तो कैसा लगा यहाँ का चांदीपुर का गुफा और मंदिर? और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। तो मिलते हैं किसी नई जगह पर, नए लोकेशन पर, नई जानकारी के साथ, और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मिस्टर श्रीकांत ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।